जन्माष्टमी की मैं पूरे प्रदेशवासियों को और संस्कारधानी जबलपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। भगवान कृष्ण प्रेम भाव के प्रतीक थे और इस बात के भी प्रतीक थे कि वो न्याय के साथ हमेशा खड़े नजर आते थे। महाभारत में आपने देखा है कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बड़ी सेना की अपेक्षा पांडव के साथ खड़े नजर आए। वो इसलिए क्योंकि पांडव न्याय युद्ध के लिए लड़ रहे थे। आज के समय में हम हर युद्ध, चाहे वो हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम बड़ी सेना की तरफ हम अपने आप को समर्पित करते हैं। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि हम कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बात का संकल्प लें कि जो व्यक्ति, जो भी दल, जो भी सेना अन्याय के खिलाफ लड़ रही हो, हम अपना समर्पण, अपना समर्थन उस सेना, उस व्यक्ति, उस दल को दें। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महाभारत में कौरवों को हराकर पांडवों की विजय हुई थी, हम आने वाले समय पे समाज में फैली कुरीतियों को, भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं। मैं जनता दल मध्य प्रदेश की तरफ से आप सभी को उन्हें जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।